जापानीज टी नहीं पीते। फर्स्ट मोमोज नेपाल। 2300 का बिल किया। ये क्या है फिर? स्प्रे तो करा है, पता नहीं मुझसे हुआ है या किसी ने करा है। वो भी बंद है। इसका कुछ टेस्ट नहीं है। कुछ दिख रहा है? Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hope you're doing amazing. आज है हमारा day 5 नेपाल में और specifically मैं हूँ अभी पोखरा में। Last vlog में आपने देखा होगा इस होटल के बारे में मैंने बताया था आपको, Global Inn करके, जो कि काफ़ी अच्छा है। और पीछे background में हमें वो हिमालयन ranges भी दिख रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बादल आ रहा है करके वो छुप गया है, बट अभी तक दिख रहा था सुबह जब हम उठे थे। आज का एजेंडा ये है कि पहले तो अपनी बाइक का चेन क्लीन करना है, बिकॉज लास्ट चेन क्लीनर रांची में हुआ था तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के ऊपर हो गया और अभी तक मैंने चेन क्लीन करा नहीं है, तो वो दिख रहा है कि अभी उसको ज़रूरत है। तो हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे। मैं मोतुल का चेन क्लीन, चेन लूप दोनों लेके आया हूँ, जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था अपने घर पे। यूट्यूब पे देख लिया मैंने कैसे करना है, अभी ट्राई करते हैं, क्लीन करते हैं। बिकॉज ये छोटे सी काम के लिए अब फिर मैकेनिक के पास जाओ, फिर उसको अलग से पैसा दो, वैसे भी कभी ना कभी सीखना ही है। अब बाइक लेके कहीं घूमेंगे तो इतना सब तो आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। चलते हैं भाई, चेन क्लीन करते हैं। तुम सोते रह जाओगे, तुम्हारी वजह से तो लेट हो रहा है। ये भाई अभी उठा है, मैं तो 6 बजे से उठा हुआ हूँ। कर लेंगे ना, अब ये बोल रहा है कर लेंगे तो मैं बोला चलो ठीक है कर लेंगे। ये देखो ये वाला ख़रीदा मैंने मोतुल का, इसमें C1 C2 दोनों है, चेन क्लीनर और चेन लूब। अब इसका ब्रश नहीं मिला मुझे, वो ऑर्डर किया था पर टाइम पे नहीं आया। मैं अपना ये टूथब्रश लेके जा रहा हूँ, बिकॉज अपेरेंटली वो ब्रश नहीं है मेरे पास जिससे चेन को साफ करना है, तो मैंने ब्रश पहले कर लिया और वैसे भी पुराना हो गया था, तो ये टूथब्रश से मैं ब्रश चेंज वो चेन क्लीन करूँगा। बाइक की चाबी भूल गया मैं वापस, चीज़ें भूल रहा हूँ मैं आजकल। है पकड़ चाबी, हो जाएगा। ये C2 जो कि लूब है मोतुल का, इसको सबसे लास्ट में यूज़ करना है। और ये है मोतुल का C1 जो कि अभी सबसे पहले स्प्रे करना है। YouTube पे तो ऐसे ही दिखाया कि पहले इसको स्प्रे करो, थोड़ा 5 मिनट रखो ताकि उसकी सारी डर्ट बाहर आ जाए, उसके बाद फिर देखते हैं ब्रश यूज़ करेंगे। एक काम कर, हैंडल थोड़ा अपनी तरफ ले और घुमा, लेगा। अभी मैंने स्प्रे तो करा है हल्का हल्का, वो लग रहा है कि डर्ट ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब गिर तो नहीं रहा नीचे कुछ, बट आई थिंक बस थोड़ा ब्रश से मारूंगा ना तो पता चलेगा। इसको 2 मिनट रुकते हैं ऐसे। ये देखो गाइज, ये छत्तीसगढ़ में पता नहीं मुझसे हुआ है या किसी ने करा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इतना ऐसे लंबा स्क्रैच आ गया। बट मेरे को डाउट है कि इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए, अगर जैकेट से हुआ भी है तो यहाँ यहाँ समझ आता है, पता नहीं। बाकी तो सही है वैसे तो, बट इसका PPF का ही कॉस्ट 8-10 हज़ार बता रहा था हैदराबाद में जब मैंने पता किया था, और शोरूम में बोल रहे थे कि इसका टैंक 10 हज़ार का आता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ सेंसेबल है वो मुझे आप बता दो, कि PPF करना बेटर है कि नया टैंक लगवा लेना बाद में अगर लगा ऐसा तो, या फिर टचअप करवा लेना, तू क्या बोलता है? PPF की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है हो जाने दे, सारा पूरा स्क्रैच हो जाएगा उसके बाद एक ही बार में पूरा कवर करा लेंगे। मतलब प्रायोरिटीज क्लियर है कि इसको पहले सही रखना है। ये तो चलो नया भी ले लेंगे, ये नहीं ले सकते बार बार नया। ब्रश की हालत देख लो। थोड़ा सा बेटर लग रहा है, एक बार ही वो कपड़े से पहुंचेंगे फिर से तब समझ आएगा एग्जैक्टली कैसा लग रहा है चेन, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे भी पीछे पूरा गंदा हो गया। इसको भी थोड़ा सा कपड़े से पोंछूंगा मेन में, कपड़े से पोंछ दिया है, चेन क्लीनर भी लगा दिया। अब बारी है चेन लूप की जो कि C2 करके है, अब ये लगाते हैं देखते हैं। पहली बार ही कर रहे हैं, हमें भी उतना समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है चल जाएगा आई थिंक। आप
चेन लॉक भी कर दिया हमने ऐसे, तो अभी दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है ट्रे चेन। अब इसको ऐसे ही रखते हैं 10 मिनट के लिए। बड़ा प्रोसेस है ये भी, ऐसा नहीं कि बस, क्योंकि एक तो ये उठा रहा है, एक तो गाड़ी इतनी हैवी 200 किलो की, ऊपर से टायर इसका हैवी जो एक हाथ से मुड़ नहीं रहा ढंग से, तो इसी और ऊपर से इसमें सेंटर स्टैंड का सीन नहीं है ना, तो थोड़ा वो भी है इशू है। बट एनीवेज कर लिया जैसे तैसे, अब चलते हैं, रेडी हो के निकलते हैं बाहर। इसको देखो ये इस्त्री कर रहा है अपने हाथों से। इसके पास टी शर्ट की कमी है और मेरे पास भी, तो हम लोग ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं अभी कि किसी तरह वो, क्योंकि बंजी कॉर्ड बांध बांध के उसका पूरा वो हो गया। वही मतलब कपड़े तो बहुत लाए हैं बट पहन नहीं पा रहे। उस वाले ब्लॉग में देखा इस्त्री ने इस्त्री करने से मना कर दिया था। हाँ तो अभी वो इस्त्री का सीन हो गया थोड़ा हमारा, क्योंकि ऐसे कपड़े सही नहीं लग रहे पहन के, क्योंकि वो फोटोज में भी अजीब सा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है ऐसे पहनने का। भाई कोई जुगाड़ वाला तरीका है तो कोई बताओ। अगर किसी को पता है कि ऐसे इस्त्री कैसे किया जाए बिना इस्त्री के तो प्लीज बता दो कमेंट करके। इसने फ्रेंड्स वाली टी शर्ट पहन ली है, मैंने अपनी पर्पल इवॉल्व वाली पहन ली है। तो अभी हमारा प्लान है कि यहाँ पे एक सनराइज व्यू पॉइंट है सारंगोट में, तो एग्जैक्टली रूट हमें भी नहीं पता है, मैप्स लगा के जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन होता है। पहले तो ब्रेकफास्ट करने चलेंगे क्योंकि भूख लग रही है ऑब्वियसली, हमें कल क्या ही खाया था, चीज़ केक खाया था वो और रेड वेलवेट खाया था, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। पामदा कैफे करके है यहाँ पे, अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। बाइक हमने अंदर ही फुटपाथ पर चढ़ा दी है सेफ, यहाँ पे पार्किंग ऐसी ही होती है क्योंकि का मेन्यू देखो, थोड़ा चाइनीज वाला मेन्यू है पूरा ही। ये देखो कितना क्यूट से बैठा है, स्पाइसी नूडल्स है का लगता है, वो स्पेगेटी हो गया ना, ऑलरेडी मैक्रोनी ले रहा है, ये बोल जैसा लग रहा है। ये एक्चुअली मैंने राइस नूडल्स थाईलैंड में खाए हैं पर मेरे को पसंद नहीं आए थे ऑनेस्टली। देखते हैं ये स्प्रिंग रोल वाले, पता नहीं मेरे को लग रहा है बकवास जाएगा बट तू ही खाएगा, अगर बकवास गया तो तू खाएगा साले। फिर हमने एक एक मिक्स वेज मैक्रोनी भी लिया क्योंकि स्पेगेटी अवेलेबल नहीं है और स्पेगेटी खाने का मन भी नहीं है, और एक पनीर चिली मोमो लिया। ये पहला कैफे जब से हम पोखरा आए और या काठमांडू गए फॉर दैट मैटर, कि यहाँ पे ऐसे पानी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी ऐसे एस्थेटिक से ग्लास के अंदर। इतना हैवी है ग्लास, ये इतना कूल लग रहा है, ऐसे लगे वो जापनीज टी नहीं पीते ऐसे टाइप के, वैसा वाला फील है। और वो रही अपनी प्यारी स्क्रैम्बलर, वहाँ खड़ी है कैफे के बाहर, फुटपाथ पर ही चढ़ा दी है। ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ पे। तो हमने जो मंगाया ये था पैड थाई बोल, ये बोल है, ये राइस नूडल्स, ये राइस नूडल्स वाला बोल है, और ये चिली मोमोज है पनीर वाले। अभी एक और आज चीज आएगी मैक्रोनी, अभी शुरुआत कहाँ से करें उस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट हम स्टार्ट करेंगे मोमोज से क्योंकि मोमोज थोड़े इजीली खत्म हो जाएंगे। तो अभी अंकित फर्स्ट बाइट लेके बताएगा कैसी है, वैसे तो ये पनीर के मोमोज है बट स्टिल बता ही देगा, मतलब चिकन का ज्यादा शौकीन है ना दोस्त मेरा, बुरा नहीं कह सकते कि सही है। अच्छा है, अच्छा है, सही है, फीलिंग बहुत है, भरी हुई है। फर्स्ट मोमोज नेपाल का, हमने अभी अब तक आके एक भी मोमो नहीं खाया था, पहला मोमो खा रहे हैं। टेस्टी है ब्रो, सुपर। मैं इस पर्टिकुलर राइस नूडल को अपनी मैक्रोनी में मिला के खा रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ टेस्ट नहीं है, है ही नहीं इसका कोई टेस्ट, और इसको ऐसे खाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऊपर से इसने पत्ता वो ये पालक पनीर, पता नहीं क्या है, पालक है या पता नहीं कौन सी सब्जी, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अलग ही कॉम्बिनेशन है ये। और ये यहाँ पे दाने पीनट्स, मतलब बेसिकली पोपट हो गया, कहने का मतलब वो है। तो अभी किसी तरह इसको निपटाते हैं बिकॉज ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पूरा बोल वापस कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ और मैक्रोनी ले रहा हूँ, हल्की सी मैक्रोनी में मिला के खा रहा हूँ। ये फोटो के लिए ठीक है, खाने के लिए नहीं है, फोटो में अच्छा दिखेगा, खाने के लिए भी करना है तो सेफ साइड अपना वो समोसा कचौरी सही है। 3 2 1 ये जो खाया है हमने, उल्टा हमें सामने से मिलने चाहिए 10,000। ये कितना पैसा है भाई इनका, पूछ उनसे, देख ले कितना काट रहे हैं कट वाले। मेरे पास बचा 550
550 570 इतना तो हुआ नहीं होगा। 2000 का बिल है भाई। ओ भाई इतना ज़्यादा खा लिया तो मेरे को डाउट है हम शायद हाइकिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतने। एप्पल आइस टी, वनीला फ्रापे, पनीर चिली मोमो, मिक्स वेज, राइस नूडल। ओ भाई 2000 2310 बस इतने मिलने चाहिए भाई अपने। अभी वहाँ पे 2300 का बिल किया और वापस से यहाँ पे समोसा खा रहा है बिकॉज पसंद ही नहीं आया कुछ उसको यहाँ पे। तो मैं बोला भाई तू ही खा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा अभी। ये देखो अंकित की दाढ़ी में तिनका, सॉरी समोसा। क्या हो गया भाई? भाई वो जापानी चाइनीज नहीं खाना मुझे बिल्कुल। समोसा पहले जा रहा है, कौन सा वही वाला क्या? यही बेस्ट खा ले फिर चलते हैं ना, बाइक पे पकड़ के कहाँ खाएगा। 1 hour later कुछ दिख रहा है? ओ भाई तो गाइस ये है वो व्यू पॉइंट जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सारंगकोट का व्यू पॉइंट है। ऑलमोस्ट कितना हमें लगा, 40-50 मिनट लग गया यहाँ पे आने के लिए मेन पुखारा सिटी से। एंजॉय द व्यू। भाई इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई आज, हमारा ट्रैकिंग करने का जो प्लान था ये फ्लॉप हो गया लगता है। इतनी बारिश में क्या है कि ट्रैकिंग होगी? जो जो प्लेसेस हम गए थे वो सामने दिख रही है वहाँ पे, शांति स्तूपा और वो शिव जी का टेम्पल भी दिख रहा है। मतलब पूरा एक तरीके से जुड़ा हुआ है, पूरा सर्कल है ये एक तरीके का, मतलब ऐसा बीच में फेवल है क्या? चारों तरफ माउंटेन्स हैं, उधर जाओ इधर जाओ एक ही व्यू आएगा नीचे का। वे देखो कितनी जोर बारिश हो रही है पीछे, यहाँ देखो आपको दिख रहा हो तो पूरा बारिश हो रही है पूरा। भाई साहब थोड़ी सी रुक गए तो निकल जाएंगे यहाँ से बिकॉज ये तो सेफ नहीं है थोड़ा यहाँ पे इतना ऊपर पे। एक तो पूरा घाट है वो, ऊपर से लैंडस्लाइड छोटी छोटी होती है इधर उधर, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे तुरंत। 3 hours later अभी हम लोग ना एक मॉनेस्ट्री के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से मैं पूरी बाइक चढ़ा के लाया हूँ, पूरा ऑफ रोडिंग था तो ये डबल सीट पे हो नहीं रहा था, तो अभी अंकित वहाँ से पूरा चल के आ रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जाना है ऐसे पूरा। देखो जिद कर रहा था कि मैं चल के आऊँगा। आ गया स्वाद। ये वाला रास्ता ये पार्किंग वाला यहीं से जाके इस वाले रोड पे जाना है उस रोड पे बट मॉनेस्ट्री दिखा नहीं है बट ये इसके पीछे है। ये क्या है फिर? ये तो बन रहा है, ये तो नया, ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा। इसमें कुछ है थोड़ी लगी, कुछ है नहीं बट तो कैसे जाएंगे अभी यहाँ से थोड़ी जा पाएंगे। ये वाली सही लग रही है वैसे मॉनेस्ट्री की बिल्डिंग, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नई वाली बन रही है, तो मैप्स हमको यहाँ लेके आ गया। ये वही है, बंद है। तो ये बंद है ना, कैसे जाएंगे? चल उतरते हैं, क्या कहीं और देखते हैं और कोई और मॉनेस्ट्री। उठता होगा तो मैं उठा दूंगा बाइक, यहाँ लगा देंगे फिर देखेंगे। ठीक है वो जो आपको पीछे मॉनेस्ट्री दिख रही है ना, वहाँ पे गए थे हम पूरा ऑफ रोडिंग करके, आपने देखा वो भी बंद है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पता नहीं क्या सीन है आज, सारी मॉनेस्ट्री जो भी हम जा रहे हैं सब बंद ही दिखा रहा है। 2 से 3 गए हम लोग, तीनों बंद दिखा रहा है, या तो कंस्ट्रक्ट बंद तो नहीं मतलब वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनका, रेनोवेशन या पता नहीं क्या। वो भी इसीलिए ज़्यादा कुछ घूम के मतलब नहीं लग रहा है, 2 बज गए हैं, घर जाके बाइक रख देते हैं, फिर वहाँ से हमारे घर के पास जो फेवा लेक वाला सीन है ना वो करेंगे, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट्स पर चलेंगे और हो सके तो बोटिंग का अगर सीन है तो देखते हैं। पहले बात बोला था ना इतना ठंडा नहीं हुआ था, नॉर्मल ले लियो। नॉर्मल तो दूसरा नॉर्मल लेता ना, ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ये इलाका ठंडा है थोड़ा। वापस से होटल आ गए अपने, बाइक रखते हैं यहाँ पे फिर चल के जाएंगे। अच्छे से धूप भी आ गई हल्की हल्की,
तो लेक व्यू साइड ही चलेंगे अब। ओ भाई ये तेरी टी शर्ट हो गई स्त्री कोई करके नहीं देना रखा हुआ है करते हैं इसको। Still making music, man. Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident.